दोस्तों फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो हमारे पास एक 15 इंच का एक सैमसंग का टीवी है, आप लोग देख सकते हैं। इसका प्रॉब्लम आज दिखाऊंगा, आप लोगों को सलूशन करके बताऊंगा। तब मैं टीवी को चालू करके आप लोगों को फॉल्ट दिखा देता हूँ। मैं जब टीवी पे लाइन देता हूँ तो हमारा जो पावर इंडिकेटर चलना चाहिए वो चलता है, टीवी पे स्टार्टिंग भी हो जाता है, लेकिन टीवी का जो पिक्चर हमारा सही होना चाहिए वो वाला पिक्चर सही नहीं है। मतलब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा टीवी पे एक बार आ चुका है, जो लाइन सीधा लाइन होकर एक बार आ चुका है, और जब मैं मेनू का जो बटन दबाता हूँ तो हमारा पिक्चर हट गया है। मतलब यहाँ से जो पिक्चर था हमारा पिक्चर शिफ्ट हो चुका है और शिफ्ट होके हमारा इधर पे आ चुका है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम आप लोगों को आज मैं बताऊंगा जो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। इसके लिए मैं टीवी को खोल लेता हूँ, तब तक आप लोग मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो जब भी मैं ऐसे वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं टीवी को खोल के मैं देखा देता हूँ इसका प्रॉब्लम कहाँ से होता है, कैसे होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा जो पीसीबी है, ये रहा हमारा पीसीबी। जो हमारा पीसीबी पे जो प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है वो जानना ज़रूरी है, तो नहीं तो आप लोग इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूँ इसका जो प्रॉब्लम है, जो हमारा पिक्चर शिफ्ट हो चुका है, इसका प्रॉब्लम होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन से, लेकिन इसका पावर सेक्शन हमारा सही है, इसीलिए हमारा टीवी चालू है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ईएसटी सेक्शन है, ईएसटी सेक्शन पे हमारा ईएसटी सेक्शन ईएसटी चालू है, जो हमारा ईओ कॉइल को काम करवाता है, जो हमारा वोल्टेज तैयार करता है, ये भी सही है, नहीं तो हमारा टीवी पिक्चर नहीं आता। और एक चीज़, जो हमारा जो रेगुलेटर सिस्टम है, रेगुलेटर सिस्टम भी ओके है, नहीं तो ये वाला प्रॉब्लम के लिए आप लोग रेगुलेटर सिस्टम को घाटेंगे। और हमारा जो मेन आईसी है, मेन आईसी भी सही है, लेकिन दोस्तों मेन आईसी से एक फ्लिप जाता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन से सेक्शन को, जो हमारा यहाँ पे एक बूस्ट ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, जो हमारा बीयू होता है, बूस्ट पीएफ लगाया हुआ है, एक पीएफ यहाँ पे लगाया हुआ है, जो हमारा ग्राउंड से एक जो बूस्ट हाई बूस्ट होता है उस पॉइंट पे एक ग्राउंड से एक पीएफ लगाया हुआ है, और एक पीएफ लगाया हुआ है जो हमारा जाता है हमारा मेन आईसी पे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल सिंक को कंट्रोल जो करता है वो वाला पिन, जो हमारा पिक्चर को शिफ्ट करने, जो जहाँ पे पिक्चर रहना चाहिए वो काम करता है, इसीलिए ये वाला पॉइंट पे हमारा ख़राब है। हमारा प्रॉब्लम है जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे, जो हमारा हाई बूस सेक्शन है, उस सेक्शन पे प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारा ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉयल का जो पॉइंट होता है, जो हमारा योक पे जाता है, वो वाला पॉइंट हमारा पिक्चर को शिफ्ट कर दिया है, और हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे प्रॉब्लम है। जो हमारा ईएसटी सेक्शन से ही है, हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम है आप लोगों को दिखा दूँ, मैं पहले से खोज कर रखा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पीएफ लगाया हुआ है, जो बूस्ट पीएफ होता है, वो बूस्ट पीएफ हमारा यहाँ पे पीएफ लगाया हुआ है, जो हमारा 400 वोल्ट, यहाँ पे 600 वोल्ट, और यहाँ पे हमारा एक पीएफ लगाया हुआ है जो हमारा 1600 वोल्ट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक पीएफ लगाया हुआ है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये वाला जो हमारा पीएफ है, ये वाला पीएफ हमारा कनेक्टेड है, जो हमारा आईसी से रिलेटेड कोई पॉइंट से लगाया हुआ है। इस वाला पीएफ पे हमारा फॉल्ट है। कहाँ पे फॉल्ट है आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो हमारा प्रॉब्लम के लिए हमारा ऐसे वाला पिक्चर आता है, आप लोग शायद देख सकते हैं। हमारा जो पीएफ है, ये वाला पीएफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो हमारा ये टूटा हुआ है, मतलब ये बास्ट हो चुका है, इसीलिए ये वाला पीएफ हमारा काम नहीं कर रहा है, और पीएफ काम नहीं करने के कारण ही ये वाला प्रॉब्लम आया है। इसीलिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस वाला जो पीएफ है, इस पीएफ को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद देखूँगा इसका क्या वैल्यू है, वो वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया वाला पीएफ लगाएंगे। नया वाला पीएफ लगाने के बाद हम लोग पिक्चर देखेंगे, हमारा पिक्चर सही हुआ कि नहीं।
ठीक है, मैं पीबीएफ को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों अब लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो पीएफ था उसको ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा जो पीएफ था, ये पीएफ हमारा यहाँ से बास्ट हो चुका है, इसीलिए इसके बदले में मैं नया वाला पीएफ लगा लूँगा। इसका नंबर है आप लोग देख सकते हैं जो 6811K का ये वाला पीएफ है, 2KB का, ये वाला 2KB का पीएफ है जो 6811 का। और मैं नया वाला पीएफ लगा लूँगा जो हमारा पास है वही 6811 का, जो हमारा 2KB का। इस वाला पीएफ को लगा के हम लोग चेक करेंगे जो हमारा ये वाला पीएफ हमारा ख़राब होने के कारण जो पिक्चर का प्रॉब्लम आया था वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होना चाहिए, इसीलिए मैं नया वाला पीएफ को लगा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों देखिए मेरा जो यहाँ पे पीएफ मैंने ओपन किया था, ये वाला नया वाला जो पीएफ है मैंने लगा चुका हूँ। लगाने के बाद मैं टीवी को लाइन दूंगा। लाइन देने के बाद मेरा जो पिक्चर का आज का प्रॉब्लम था, जो पिक्चर शिफ्ट हो चुका था और जो हमारा मेनू का जो लोगो था वो हट चुका था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होना चाहिए, जो टीवी चालू होने के बाद पता चलेगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो मिडिल का जो बार था, जो हमारा एक लाइन काला सा एक लाइन था, वो वाला लाइन नहीं है। मैं टीवी को घुमा लेता हूँ, घुमाने से अच्छे तरीके से देखा सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं टीवी को घुमा लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को घुमा चुका हूँ, घुमाने के बाद मैं टीवी को लाइन दे दिया हूँ। देख सकते हैं मेरा इंडिकेटर भी जल गया है, और जलने के बाद हमारा पिक्चर देख लेंगे। जो हमारा पिक्चर साइड के जो हमारा एक बार आता था और साइड पे पिक्चर हट गया था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। देख सकते हैं मेरा जो बार था यहाँ पे, जो वाला काला सा पट्टा था, वो वाला पट्टा हट गया है। और हमारा यहाँ पे मेनू दबा के देखता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो मेनू का लोगो हमारा हट चुका था, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था पिक्चर, वो वाला पिक्चर हमारा सही हो गया है। मतलब दोस्तों हमारा आज का जो प्रॉब्लम था वो हमारा हॉरिजेंटल जो हमारा हाई सिंक का बूस्ट सेक्शन का प्रॉब्लम था, जो हमारा बूस्ट सेक्शन जो हमारा व्यू ट्रांजिस्टर होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए दो पीएफ दिया गया है, एक तो ग्राउंड से है और एक हमारा सिस्टम से फ्लिप के सिस्टम के लिए दिया गया है, जो हमारा पिक्चर को कंट्रोल करता है उसके लिए दिया गया है। वो वाला पीएफ को पीएफ ख़राब हो जाने से ही, ये वाला पीएफ हमारा ख़राब हो जाने से ये वाला प्रॉब्लम आया था और हमारा पिक्चर शिफ्ट हो चुका था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, तो जब भी मैं ऐसा नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।